अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने सर्विस प्रोवाइडर की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को उत्तर प्रदेश के बदायूं से गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपियों के एक साथी सुधीर को पहले ही बदायूं से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वारदात में शामिल बाकी चार आरोपी फरार चल रहे थे, जिनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सतवीर व राजकुमार के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी सतवीर व राजकुमार की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल बोलेरो कार भी बरामद की गई है। इसी बोलेरो कार में आरोपियों ने अरविंद की किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद आरोपी अरविंद को बदायूं ले गए थे। आरोपियों ने गिरफ्तारी के बाद खुलासा किया है कि पूरे रास्ते आरोपियों ने अरविंद की टायर खोलने वाले पानी से लगातार पिटाई की थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। वहीं आरोपियों ने खुलासा किया कि किडनैपिंग से कुछ दिन पहले ही उसकी टेम्पो के अंदर बैठा कर खूब पिटाई की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद ने उनके पैसे नहीं दिए। अरविंद एक सर्विस प्रोवाइडर था जो लोगों को नौकरी दिलाने का काम किया करता था। उसी के पैसे के लेन देन को लेकर आरोपियों ने कुछ दिन पहले अरविंद की टेम्पो के अंदर बैठा कर पिटाई की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हत्या में शामिल दो आरोपी अभी दिल्ली पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिनकी तलाश में अलीपुर थाना पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।